क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड का एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन हो सकता है? एक ऐसा बटन जिसे दबाने से हर चीज, चाहे वो एटम हो या गैलेक्सी, बस पल भर में गायब हो जाए। ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं किसी साइफाई मूवी का प्लॉट बोल रहा हूँ, है ना? लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो कल्पना को हकीकत में बदल सकता है। इसका नाम है वैक्यूम डिके, ब्रह्मांड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा पूरा अस्तित्व एक कॉस्मिक बबल के एक्सपेंशन से खत्म हो सकता है। हेलो क्यूरियस पीपल, तो वैक्यूम डिके क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले वैक्यूम क्या होता है ये समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वैक्यूम क्या है, तो आपके दिमाग में एक एम्प्टी स्पेस आएगा जहां पर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये वो वैक्यूम की डेफिनेशन नहीं है जो हम फिजिसिस्ट यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू अस, जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम की भी खुद की कुछ एनर्जी होती है और वो अलग अलग तरीके के फील्ड से बनी रहती है। कैसी फील्ड? तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक एडवांस वर्जन है जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स की अलग अलग फील्ड है और वो इस पूरे वैक्यूम में, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब उस बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो आपको एक चीज जानने की जरूरत है कि इन्हीं सब फील्ड में से एक फील्ड होती है जिसे हम लोग कहते हैं हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड वो फील्ड है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और उसकी वजह से हम सबके अंदर मास, यानी कि भार आ रहा है। हमारी बॉडी बनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क से बने रहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और क्वार्क है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब हम लोग इसको और तोड़ नहीं सकते कि इसके अंदर से और पार्टिकल निकले। अब ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, इनके अंदर मास ये हिग्स फील्ड से आ रहा है। तो ये जो हिग्स फील्ड की थ्योरी है, ये 1964 में पीटर हिग्स ने दी थी अपने कुछ कलीग्स के साथ मिलकर, और उन्होंने ये बताया कि अगर ये हिग्स फील्ड नहीं होती तो ये सारे पार्टिकल्स लाइट की स्पीड से मूव करके इधर उधर चले जाते और कभी भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बन पाता, यानी कि हम लोग नहीं बन पाते। अब ये सोचने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमने ऐसे कैसे बोल दिया कि इस पूरे यूनिवर्स में हिग्स फील्ड फैली हुई है जिसकी वजह से मास आ रहा है। पहली चीज, ये बहुत अच्छी तरीके से मैथमेटिकली प्रूवन थी, और दूसरी चीज, इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक तरीका बताया। उन्होंने ये बोला कि एक हिग्स बोसॉन नाम का पार्टिकल है, उसको अगर हम लोग डिटेक्ट कर लें तो हम लोग ये कंफर्म होके कह सकते हैं कि ये जो हिग्स फील्ड है ये एग्जिस्ट करती है। अब हिग्स बोसॉन में दो नाम आ रहे हैं, हिग्स और बोसॉन। हिग्स तो पीटर हिग्स के नाम पे रखा गया था जिन्होंने हिग्स फील्ड की थ्योरी दी थी, लेकिन ये जो बोसॉन है, ये बोसॉन रखा गया था सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे, जो कि एक इंडियन फिजिसिस्ट थे। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सत्येंद्रनाथ बोस जो थे, उन्होंने भी हिग्स बोसॉन की थ्योरी दी थी, लेकिन क्रेडिट केवल पीटर हिग्स को दिया जाता है। ऐसा नहीं है। जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने एक क्लास ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था जिसे हम लोग बोसॉन्स कहते हैं, और ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है, बस ये इस बोसॉन क्लास में फॉल करता है, इसलिए हम लोग हिग्स के आगे बोसॉन लगा देते हैं। सत्येंद्रनाथ बोस का इस थ्योरी से कुछ लेना देना नहीं है। अब ये जो हिग्स बोसॉन है, ये पॉपुलर साइंस में बहुत फेमस है बाय द नेम गॉड पार्टिकल। अब ये जो गॉड पार्टिकल है, इसके नाम की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्या इस हिग्स बोसॉन का किसी तरीके से गॉड से लेने देना है, क्योंकि ये हमको मास या फिर भार दे रहा है। इसका आंसर है नहीं। स्टोरी है कि एक एडिटर को हिग्स बोसॉन के बारे में कुछ लिखना था, तो उन्होंने जिस साइंटिस्ट से कम्युनिकेट किया, उन्होंने इसकी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी की वजह से इसको बोला गॉड डैम पार्टिकल। लेकिन एडिटर को ये डैम वर्ड पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने डैम हटा दिया और गॉड पार्टिकल यूज किया, और अभी तक ये नाम स्टक है, जिसकी वजह से बहुत सारे फिजिसिस्ट को पसंद नहीं आता जब हिग्स बोसॉन को लोग गॉड पार्टिकल बुलाते हैं। बट एनीवे, आज के टाइम पे ये नाम स्टक है, उसका कुछ कर नहीं सकते। बेस्ट चीज हम ये कर सकते हैं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये हिग्स बोसॉन का गॉड से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंटल नाम है। तब हिग्स बोसॉन के बारे में आते हैं। हिग्स बोसॉन को ढूंढने के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सीलेटर बना, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। हालांकि ये बोलना गलत होगा कि सिर्फ हिग्स बोसॉन को ढूंढने के लिए बना, वो और भी बहुत सारी चीजों को ढूंढने के लिए बना था, लेकिन हिग्स बोसॉन उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। एंड फिर 2012 में फर्स्ट टाइम उन्हें हिग्स बोसॉन के सिग्नेचर मिले, और 2013 तक ये प्रूव हो गया कि हिग्स बोसॉन एग्जिस्ट करते हैं। और जब ये मिला तो ये कंफर्म हो गया कि पूरा का पूरा यूनिवर्स हिग्स फील्ड से भरा हुआ है। बाय द वे, अगर आपको जानना हो कि हमको कैसे पता चला उस पार्टिकल एक्सीलेटर में कि हिग्स बोसॉन होता है, तो ये जो आप छोटा सा बंप देख रहे हैं इस ग्राफ में, इसकी वजह से हमको पता चला कि हिग्स बोसॉन एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में डिटेल में कभी और बात करूंगा, लेकिन अभी टॉपिक पे आते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो कि वैक्यूम है, वो वैक्यूम हिग्स नाम की फील्ड से भरा हुआ है जिससे हमारे पास मास आता है। लेकिन इसका ये वैक्यूम डिके से क्या लेना देना है, मतलब वैक्यूम कैसे डिके करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्यूम में एनर्जी होती है, तो वो जो वैक्यूम की एनर्जी जब डिके करती है, तो हम लोग उसे वैक्यूम डिके कहते हैं। तो अब ये फॉल्स डिके क्या हुआ, इसको समझाने से पहले मुझे आपको कुछ बात बतानी पड़ेगी। तो इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीज होती है, उसकी कोई ना कोई एनर्जी लेवल होता है। जब उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो हम कहते हैं कि इसकी हायर एनर्जी लेवल है। जब उसकी एनर्जी कम होती है, तो हम कहते हैं कि इसकी लोअर एनर्जी लेवल है।
आई थिंक ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, बट anyway, मैंने बता दिया। तो हायर एनर्जी लेवल पे जो भी चीजें होती है उनके अंदर एनर्जी तो भर भर के होती है, लेकिन वो बहुत ही अनस्टेबल होती है। और जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी लूज करते जाते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आते हैं, और इसका मतलब है वो स्टेबल होते जाते हैं। अब ऐसा क्यों है कि ब्रह्मांड में जिन चीजों के पास ज्यादा एनर्जी है वो अनस्टेबल है और कम एनर्जी वाली चीजें स्टेबल है, किसी को नहीं पता। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर हमको नहीं पता है, बस हम लोगों ने हमारी पीस बना ली है कि यूनिवर्स ऐसा काम करता है तो करता है। अब इसी को ही हम लोग रूल बना के यूनिवर्स को समझते हैं। अभी आपका बस ये जानना जरूरी है कि हाई एनर्जी का मतलब है अनस्टेबल, लो एनर्जी का मतलब है अच्छा खासा स्टेबल। अब ये लोएस्ट कितनी एनर्जी पे जा सकता है कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी, यानी कि वो पॉसिबल एनर्जी जिससे नीचे तो एनर्जी हो ही नहीं सकती, यानी कि उससे ज्यादा तो स्टेबल हो ही नहीं सकता। अब ये जो एनर्जी और स्टेबिलिटी के रिलेशन को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं चाय और कॉफी का। चाय और कॉफी के कप को जब भी आप खुले में रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर भर भर के एनर्जी होती है, उनको अपनी एनर्जी लूज करनी होती है, और वो अपनी एनर्जी लूज करते हैं अपने आसपास के एनवायरमेंट में। एक और एग्जांपल लेते हैं लकड़ी। लकड़ी के अंदर बहुत सारी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है उनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स के फॉर्म में, तो जब हम लोग उसे जलाते हैं तो वो सारी एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट के फॉर्म में, और लास्ट में एशेज रह जाती है। अब ये जो एशेज होती है इनकी केमिकल एनर्जी बहुत कम होती है, सो इन अ वे ये ज्यादा स्टेबल हो चुके हैं। वैसे तो ये दो एग्जांपल समझाने के लिए काफी थे, लेकिन एक और इंट्यूटिव एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक बॉल को एक पहाड़ की चोटी तक आप लेकर जा रहे हैं, वो बॉल जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाती जा रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो धीरे धीरे अनस्टेबल भी होता जा रहा है। जब वो पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन वो मैक्सिमम लेवल पे अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि वो ट्राई करेगा कि जल्दी से जल्दी लोअर एनर्जी पे आ जाए। और जैसे ही उसको पहला मौका मिलेगा वो तुरंत पहाड़ से नीचे आके ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे आने की कोशिश करेगा। अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई उसका रीजन आपको पता चलेगा। तो हमारा ब्रह्मांड जब बना था, जो कि माना जाता है बिग बैंग के थ्रू बना था, तो उस टाइम बहुत सारी फील्ड्स बनी, और ये जो फील्ड्स थी जो उस टाइम बहुत ही ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट पे थी वो डिके होके अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पे आ गई। तो ऐसा माना जाता है कि जितनी भी क्वांटम फील्ड्स है वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट पे आ चुकी है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये जो हिग्स फील्ड है ये अभी अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट पे नहीं आई है, ये अभी एक ऐसे स्टेट पे आई जिसे हम लोग कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट क्या होता है? तो याद है मैंने आपको एक पहाड़ का एग्जांपल दिया था, अब इमेजिन करिए उस पहाड़ से बॉल गिर रही है और वो आके एक बड़ी सी खाई में गिर गई। अब बॉल को तो ऐसा लग रहा है कि वो एक स्टेबल स्टेट पे आ गई है, लेकिन अगर आप उसी पिक्चर को जूम आउट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो खाई सबसे लोएस्ट स्टेट नहीं है, वो बस एक छोटा सा बम्प है पूरे के पूरे एनर्जी कर्व में। इसका मतलब है कि वो बॉल अभी अपने ग्राउंड स्टेट पे पहुंची नहीं है, बस वो एक ऐसे मेटा स्टेट पे पहुंची है कि उसको लग रहा है कि वो लोएस्ट एनर्जी पे आ गई है लेकिन आई नहीं है। इसलिए हम लोग इसे फॉल्स वैक्यूम डिके कहते हैं, क्योंकि ये जो वैक्यूम डिके है ये हमको लग रहा है कि वैक्यूम डिके पूरा हो गया लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, इसलिए फॉल्स वैक्यूम डिके। जब यहां से बॉल निकल के सही में अपने ग्राउंड स्टेट पे पहुंच जाएगी तो हम उसे बोलेंगे ट्रू वैक्यूम डिके, या फिर ट्रू वैक्यूम उसे बोला जाएगा। ऐसा ही कुछ हिग्स फील्ड के साथ माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मांड के बर्थ के बाद ये जो हिग्स फील्ड है ये हिग्स फील्ड डिके किया, और ये डिके करके ऐसे फॉल्स डिके स्टेट पे आ गया है, और ये किसी भी वक्त ट्रू डिके स्टेट पे आ सकता है। ये कल भी हो सकता है, ये परसों भी हो सकता है, ये 1 करोड़ साल बाद भी हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम टनलिंग। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा फिनोमेना है जो हिग्स फील्ड को बिना ज्यादा एनर्जी दिए एक साइड से दूसरे साइड जाना अलाउ करता है ताकि वो ट्रू डिके हो सके। अब ये जो क्वांटम टनलिंग होती है इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन बहुत कम का मतलब जीरो नहीं होता है, इसका मतलब है कि होगा तो जरूर, और जब ये होगा तो ये बहुत ही केओटिक चीज होगी। ये केओटिक क्यों होगा और कैसे होगा तो समझते हैं। तो मान लीजिए कि ब्रह्मांड के किसी कोने में ये ट्रू वैक्यूम डिके हो जाता है, तो ये ट्रू वैक्यूम डिके होते ही वहां पर एक बबल बनने लग जाएगा, और वो बबल लाइट की स्पीड से फैलता जाएगा। उस बबल के अंदर जो भी चीज आएगी उसके अपने अंदर खाता जाएगा और उसके अस्तित्व को खत्म कर देगा पूरी तरीके से। सिर्फ इतना ही नहीं, उस बबल के अंदर जितनी भी फिजिक्स की लॉज है हमारी सारी की सारी बदल जाएगी। ये नेचर को जिस तरीके से हम लोग समझते हैं सब चेंज हो जाएंगे। हमारे अंदर के एटम, स्टार्स, गैलेक्सीज, इनफैक्ट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी चीजें भी चेंज होने लग जाएंगी। पूरा का पूरा ब्रह्मांड जैसा हम समझते हैं पूरी तरीके से बदल जाएगा। और ये अलग से बताने की बात नहीं है कि अगर अर्थ उस बबल के चपेट में आ गई एक पेनलेस डेथ के थ्रू हम सब खत्म हो जाएंगे। पेनलेस क्यों बोला मैंने? क्योंकि हमको पेन होता है न्यूरॉन्स की वजह से, ये न्यूरॉन्स भी एटम्स के बने हैं। उसी मोमेंट ये एटम्स अपनी प्रॉपर्टी खो देंगे तो वो न्यूरॉन्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से पेन होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा जिसमें हमारी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी उस पूरे प्रोसेस से पेन नहीं होगा। अब बात यह है कि ये जो प्रोसेस है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ये कभी भी हो सकता है, ये इस मोमेंट भी हो सकता है, हमारे पास भी हो सकता है, लेकिन इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि भाई क्षितिज हमको कैसे पता कि हम लोग ये मेटा स्टेबल स्टेट या फिर फॉल्स डिके में ही है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हम लोग ट्रू वैक्यूम की तरफ जा चुके हैं, हम लोग अपने ग्राउंड स्टेट पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही रीजनेबल आर्गुमेंट है जो बहुत साइंटिस्ट क्लेम करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के एक्सपेरिमेंट पे जब हम लोग हिग्स बोसॉन का मास फाइंड कर रहे थे और टॉप क्वार्क का मास फाइंड कर रहे थे, तो उस मास की मदद से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हम लोग ये फॉल्स डिके स्टेट पे हैं या ट्रू डिके स्टेट पे हैं। हिग्स बोसॉन का मेजर्ड मास लगभग 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये मास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि हमारा वैक्यूम कितना स्टेबल है। अगर हिग्स बोसॉन का मास थोड़ा भी अलग होता तो ये पूरी पिक्चर एकदम अलग होती। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर हिग्स बोसॉन का मास 115 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता तो हमारा वैक्यूम पूरी तरीके से स्टेबल होता और वैक्यूम डिके का कोई खतरा नहीं होता, यानी कि हिग्स फील्ड अपने ग्राउंड स्टेट एनर्जी पे ही है। लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा होता है, यानी कि 140 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता, तो हमारा वैक्यूम डिके बहुत अनस्टेबल होता या शायद डिके अब तक हो चुका होता। लेकिन फाइंड किया हुआ मास 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, हमारा वैक्यूम मेटास्टेबल स्टेट लगता है, यानी कि अभी के लिए स्टेबल है लेकिन फ्यूचर में डिके हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली तो अभी तक यही फाउंड किया हुआ है कि हम लोग मेटास्टेबल स्टेट पे, यानी कि एक ऐसा स्टेट आएगा जब ब्रह्मांड पूरा डिके करने लगेगा। तो ये तो बड़ी घबराने वाली बात हो गई। तो क्या हमको सही में घबराना चाहिए? ठीक है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि इसके चांसेस जरूर है कि ये डिके हो सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हम लोग अश्योर हो सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हो सकता है कि स्टैंडर्ड मॉडल के बाहर कोई नई फिजिक्स हो जो इस पिक्चर को बदल दे, इस वैक्यूम स्टेबिलिटी की जो हमारी नॉलेज है इसको बदल दे। आफ्टर ऑल हम लोग वही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं जो हमारी करंट नॉलेज के बेसिस पे, हमको ये नहीं पता कि हमको अभी क्या नहीं पता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे टाइप के कोई नए पार्टिकल हो जो इस वैक्यूम डिके को होने ही ना दे, या फिर ऐसा वैक्यूम डिके वो प्रेडिक्ट ही ना करे। एक और चीज, अगर ये थ्योरी सही भी है तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वैक्यूम डिके का बबल हम तक पहुंचने में अरबों साल लग सकते हैं। हो सकता है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से वो बबल हम तक कभी पहुंचे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही वो बबल लाइट की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन ये भी बात है कि यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रही है। तो ऐसा होने के बिल्कुल चांसेस है कि यूनिवर्स के कुछ कोने में ये वैक्यूम डिके हो सकता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिटी तो ये कहती है। लेकिन अगर वो हो भी चुका है तो वो बबल जो खुद लाइट की स्पीड से एक्सपेंड कर रहा है वो हमसे लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से दूर जा रहा है। सो इसका मतलब है कि अगर कहीं ऐसा वैक्यूम डिके हुआ भी होगा तो हमको पता नहीं चलने वाला और हम उससे पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि वैक्यूम डिके का ख्याल डरावना लग सकता है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अभी तक कितना रहस्यमय है। ये थ्योरी हमें मोटिवेट करती है कि हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में गहरी सोच करनी और यूनिवर्स के फंडामेंटल क्वेश्चंस को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझना होगा, ताकि हम लोग उसको आंसर कर सके, ताकि हम लोग ब्रह्मांड को समझ सके। क्या वैक्यूम डिके हमारे ब्रह्मांड का अंत होगा? हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो साफ है, ब्रह्मांड के आखिरी अंजाम को समझने की कोशिश हमें इस बात के लिए मोटिवेट करती है कि हमें हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बहुत आगे तक लेकर जाना होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अगर मल्टीवर्स थ्योरी सच है, यानी कि हमारे यूनिवर्स जैसे बहुत सारे यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सेस पहले ही वैक्यूम डिके के शिकार हो चुके हों, जबकि कुछ अभी स्टेबल हो। अगर हम लोग इस थ्योरी पे बिलीव करेंगे तो इसके हिसाब से वैक्यूम डिके ना सिर्फ हमारे यूनिवर्स के एंड को बताता है, बल्कि काउंटलेस अदर यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, जो कि सोचने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैक्यूम डिके होगा नहीं होगा, लॉज ऑफ नेचर चेंज होंगे कि नहीं होंगे, हमको कुछ भी नहीं पता। लेकिन हमको जो बात पता है कि हम ब्रह्मांड को समझने में जितनी कोशिश हो सके उतनी कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जिनको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे माय लास्ट न्यूरॉन की एक लिंक दी हुई है जिसमें आपको ऐसी टी शर्ट और बहुत सारे अलग अलग गुडीज मिल जाएंगे जो आप खरीद सकते हैं। उसे खरीदने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन आता रहेगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।